Hello, my dear students. I hope all of you are fine. This is your English grammar class, and today we will do exercise work of lesson number 8 and lesson number 9, 10, and 11. So, my dear students, open page number 42. This is page number 42. Here, exercises A write the plurals of the following words in previous video we had learned the rule how to make plural so today we will apply them number 1 balloon balloons simple as add karenge number 2 bench benches bus buses bus buses glass glasses fox foxes in this

यहाँ सिंपल हमने एस ऐड किया बिकॉज वाई से पहले वॉबल है ई e, इसमें भी ई ओके नाउ इलेवन काफ का्व लाइफ लाइफ्स यहाँ पे एफ़ को और एफ ई e को हटा के हमने वी ई एस ऐड किया थर्टीन चीफ चीप्स ब्रीफ ब्रीफ्स सिंपल एस ऐड करके बैम्बू बैम्बूज जू जूज बफेलो बफेलोज ईस एड किया नाउ एटीन माउज माउस का क्या होता है माइज हम इंटरनल वॉवल चेंज करके बनाया है ऑक्स ऑक्सिन फिश फिश फिस का प्लूरल सेम रहता है ओके नाउ एक्सरसाइज बी फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल्स फॉर्म्स ऑफ द नाउस गिविन इन द ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स में हमें नाउन दे रखी है इनका प्लूरल हमें फुलिंदा ब्लैंक्स में लिखना है फर्स्ट सेंटेंस गर्ल्स आर प्लेइंग विद द का प्लूरल टॉयज देयर आर मैनी इन गोवा चर्च चर्च का प्लूरल नंबर थ्री आई बॉट ए डजन एक्स दिस इज ए हाउस विथ फोर रूम दे रखा है रूम का टूरल रूम्स नाउ नेक्स्ट पेज पेज नंबर फोर्टी थ्री नंबर फाइव सी टुक मैनी फोटो सो फोटोज ऑफ द मोन्यूमेंट नंबर सिक्स ही मेट मैनी मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन

depending on the type of the plant okay so like this you have to write now exercise c look at the pictures and write their singular and plural names nouns below them so pictures are given here number 1 only one kangaroo so kangaroo more than one so kangaroos one ox ox more than one

plurals are given we have to write the singular form so for example apples and apple it has been done for you now the second one babies a baby okay foxes a fox knives a knife owls an owl axe

Haris is a boy. Haris is an intelligent boy. Sarita is a girl. Sarita is a pretty girl. The tiger is an animal. The tiger is a wild animal. He has a book. He has a new book. He is a man. He is an honest man. The sentences on the left-hand side have only naming word or the nouns. ये लेफ्ट हैंड के सेंटेंस में ओनली नेमिंग वर्ड्स है या नाउंस बॉय गर्ल एनिमल बुक एंड मैन सेंटेंसेस ऑन द राइट हैंड साइड मींस दिस वन हैव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव वर्ड्स बिफोर नाउंस इंटेलिजेंट ऑनेस्ट जो इंटेलिजेंट पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स कहते हैं The word intelligent tells us what kind of boy Haris is. The word pretty tells us what kind of girl Sarita is. The word wild tells us what kind of animal tiger is. So, like this, describing words tells about the nouns. Okay? An adjective is a word that describes the quality of the naming word or noun. Adjective word. डिस्क्राइब करते हैं नेमिंग वर्ड या नाउन को उनकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं नाउ पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स हैव द फॉलोइंग टू पोजिशन इन द सेंटेंस। नंबर फर्स्ट एन एडजेक्टिव इज जनरली यूज बिफोर नाउन एडजेक्टिव जनरली नाउन से पहले यूज होता है अमित टॉल मैन हेयर मैन नाउन है और टॉल एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड नंबर टू एन एडजेक्टिव इज समथिंग यूज आफ्टर द वर्ब वर्ब के बाद भी यूज होता है रवि इज इंटेलिजेंट एयर इज वर्ब है वर्ब के आफ्टर यानी बाद में यूज हुआ है इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है ओके नाउ पेज नंबर फोर्टी सेवन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स नंबर फर्स्ट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन नाउन की क्वालिटी को बताते हैं ए हैंडसम मैन ए प्रेटी गर्ल एन ओबीडियंट चाइल्ड एन एक्सीलेंट बुक लाइक दिस नंबर टू एडजैक्टिव ऑफ क्वानिटी अब क्वान्टिटी के बारे में बताते हैं दीज एडजेक्टिव टेल्स एस हाउ मच ऑफ समथिंग देयर इज सम मिल्क लिटल वाटर एनीमनी इनफ फूड तो ये क्वान्टिटी है ये समिटिल एनी इनऑफ क्वान्टिटी नंबर थ्री एडजैक्टिव ऑफ नंबर डीज एडजैक्टिव टेल्व यू हाउ मैनी पीपल एनिमल्स और थिंग्स दे आर आर ट्वेंटी ट्रीज फ्यू गर्ल्स मैनी चिल्ड्रन नो बुक सो ट्वेंटी फ्यू मैनी नो ये शो कर रहे हैं क्वान्टिटी को नंबर को सॉरी now color adjectives these adjectives tell you the color of object red doll blue ball yellow balloon green vegetables so these tells us about colors number five proper adjectives these adjectives are formed from proper nouns they tell you which place or country a person or things belongs to for example american flag indian summer chinese food french language so these are, tells us about belonging now number 6 demonstrative adjectives these adjectives point out particular persons or things this book these pencils that sharpener those razors okay now exercise work Fill in the blanks with the right words from those given in the box. Some adjective words are given here. We have to fill the blanks. Number first, the girl is beautiful. Number two, the boy is tall. Now, next page. Number three, the man is old. Number four,

The child is very happy or tired. Happy. Now, next page. Number five. Always drink clean or dirty water. So, clean water. Number six. Can you lift this heavy or fat box? Heavy box. The elephant is a big or a small animal. Big animal. द आंट इज ए टीनी और लार्ज क्रीचर टीनी क्रीचर अनिता हैज कर्ली और लॉन्ग हेयर सो कर्लीयर सी कट वेजिटेबल्स विद ए शार्प और ब्लंट नाइफ सो शार्प नाइफ सो लाइक दिस यू हैव टू टेक द करेक्ट एडजैक्टिव ओके नाउ नेक्स्ट पेज नंबर फिफ्टी वन एट पेज नंबर फिफ्टी वन लेसन नंबर टेन ए एंड द इट इज वेरी सिंपल वी यूज ए और एन व्हेन वी स्पीक ऑफ ओनली वन पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग हम ए और एन का यूज तभी करते हैं जब हम वन पर्सन एनिमल और प्लेस या थिंग के बारे में बात करते हैं यूज ऑफ ए और एन वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद ए वॉबल साउंड एन उस वर्ड के बिफोर यूज करते हैं जो वॉगल साउंड से स्टार्ट होता है फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद ए कॉन्सोनेट साउंड जब वर्ड कॉन्सोनेट साउंड से बिगिन होता है तो हम उसके पहले ए यूज करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अवेलून ए flower, a house, a pencil, a tree. Now use of the, we use the when we talk about a particular thing. A man means any man. The man means a particular man. जब हम particular man के बारे में बात करते हैं तो उसके आगे हम the का use करते हैं. We use the with the names of rivers. Rivers के name के आगे हम the use करते हैं. The Ganga, the Yamuna.

नंबर फाइव ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है सो वॉबल साउंड सो एन एन ऑनेस्ट मैन नाउ एक्सरसाइज बी लुक एट द पिक्चर्स एंड द वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द हमें इनको पिक्चर्स को देख के और वर्ड्स को देख कर ए ओ एन या द फिल करना है सो फर्स्ट इज ए स्टिक दैन एन ऑरेंज द ताजमहल मॉन्यूमेंट है सो द एन एरो एन एप्पल वॉबल साउंड द मून मून नैचुरल बॉडी है सो द मून ए मंकी एन ईगल ए पीजन ए डॉल्फिन एन आंट ए स्नेक ए क्रोकोडाइल एन आर्टिस्ट एन मेजिशियन एक्टर थ्री थ्रीन नंबर इलेवन द प्रोनाउन रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ राहुल वॉज लेट टू स्कूल Because he had taken a sick old woman to the hospital on his bicycle as she could not walk. The headmaster patted his back and said, We are proud to have you as our student. In this paragraph, the words he, she, we, and you are pronouns. So what is pronoun? A pronoun is a word that is used in place of a noun. प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस इज कविता कविता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल कविता रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स एंड एल्डर्स कविता गो टू स्कूल डेली एवरीबडी प्रेज इज कविता इन दिज सेंटेंसेज द वर्ड कविता इज रिपीटेड मैनी टाइम्स वी यूज एन वर्ड इन इट्स प्लेस टू स्टॉप दिस रिपीट दस

रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेिस आई एम मोहिनी ममता गेव मी ए बुक दिस कंप्यूटर इज़ माइन वी आर क्लासमेट्स आवर क्लास टीचर प्रेजेड अस फॉर गुड होमवर्क दीज बुक्स आर आवर्स इन दीज सेंटेंसेस आई मी माइन वी एस एंड अवर्स पर्सनल प्रोनाउंस द फर्स्ट पर्सन All pronouns that are used for the person's speaking are called pronouns of the first person. Now read the following sentence. You are a good player. These photographs of yours. So in these sentences, you and yours are personal pronouns of the second person. In a second person ka bolte hai, you or yours ko. All pronouns that are used for the personal spoken to. Are called pronouns of the second person. Now read the following sentences. He is playing tennis. We praise him for his good behavior. She is singing a sweet song. I met her yesterday. The baby is crying. Feed it. They are good neighbors. Tell them the news. So in these sentences, he, him, she, her, it, they, and them are personal pronouns of the third person. All pronouns are used for the pronoun persons spoken about are called pronouns of the third person. Okay, now next page. Understand and learn the following table of personal pronouns. First person pronouns. आई मी माइन वी एस अवर्स सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस यू योर्स एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स ही ही हिज सी हर हर्स हिट दे देम देयर्स ओके ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड माई अवर योर हिज हर इट्स एंड देयर आर काल्ड पजेसिव एडजेक्टिव हिज फंक्शन्स बोथ एज पजेसिव प्रो एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन हिज को पजेसिव एडजेक्टिव भी और पजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं ही लॉस्ट हिज बुक पजेसिव एडजेक्टिव दिस बुक इज हिज पजेसिव प्रोनाउन ओके नाउ एक्सरसाइज वर्क एक्सरसाइज ए री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ कलर्ड वर्ड्स जो कलर्ड वर्ड्स में नाउंस हैं उनको हमें प्रोनाउंस में चेंज करना है फर्स्ट my सिस्टर gets अप अर्ली इन द मॉर्निंग My सिस्टर prepares ब्रेकफास्ट फॉर मी Here my सिस्टर my सिस्टर रिपीट हुआ है तो इस कलर्ड वाली की जगह पर हमें प्रोनाउन यूज करना है सो so, my सिस्टर gets अप अर्ली इन द मॉर्निंग फर्स्ट सेंटेंस है हम एजिट लिखेंगे then सी माई सिस्टर की जगह क्या यूज करेंगे हम सी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट फॉर मी

दे इसकी जगह कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे हम दे प्ले टेनिस डेली नंबर फोर दिस इज माई न्यूज पेपर दिस न्यूज पेपर इज वेरी इंफॉर्मेटिव यहाँ न्यूज पेपर रिपीट हुआ है सो दिस इज माई न्यूज पेपर न्यूज पेपर के लिए क्या यूज करेंगे हम इट इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव नाउ नेक्स्ट पेज अनिता मेट अमित अनिता गेव अमित बुक सो so, अनिता और अमित रिपीट हो रहे हैं अगेन अगेन अमिता मैट अमित इस अनिता की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग सी सी गेव हिम ए बुक अमित की जगह क्या यूज करेंगे प्रोनाउन हिम विवेक एंड विशाल वैन टू स्कूल द टीचर टॉट विवेक एंड विशाल इंग्लिस तो विवेक एंड विशाल की जगह यूज हमें करना है प्रोनाउन सो विवेक एंड विशाल वैन टू स्कूल द टीचर टॉट देम इंग्लिस तो इनके लिए विवेक एंड विशाल के लिए क्या यूज किया हमने प्रोनाउ दैम नंबर सेवन माई पेरेंट्स आर नॉट ऐट होम माई पेरेंट्स हैव गॉन टू ऑफिस सो माई पेरेंट्स रिपीट इसकी जगह प्रोनाउन यूज करेंगे माई पेरेंट्स आर नॉट ऐट होम दे क्या प्रोनाउ यूज किया हमने दे दे हैव गॉन टू ऑफिस नंबर एट अर्चना हैज लॉस्ट हर बुक अर्चना कैन नॉट फाइंड इट सो अर्चना हैज़ लॉस्ट हर बुक अर्चना की जगह क्या यूज करेंगे सी सी कैन नॉट फाइंड इट सो लाइक दिस यू हैव टू राइट ओके नाउ आवर इंग्लिश ग्रामर सलेबस हैज कंप्लीटेड लर्न इट प्रॉपरली आपको ये सारे लेसन्स लर्न करने हैं प्रॉपरली ओके हैव ए नाइस डे टेक केयर बाय बाय